मुरादाबाद के थाना मंजोला में देर रात भाजपा जिला अध्यक्ष की शिकायत पर एक हिंदूवादी संगठन के राजकीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उक्त संगठन भाजपा के मंत्री और पदाधिकारियों की फोटो छपी रसीद बुक से अवैध पैसों की उगाही करने में लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार ने पहल शुरू कर दी थी, जिसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों किया जा चुका है। वहीं श्री राम मंदिर निर्माण में कुछ तथाकथित संगठनों ने अवैध वसूली भी शुरू कर दी थी। ताजा मामला कल रात उस समय सामने आया जब मुरादाबाद भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल चौहान ने लिखित में शिकायत करते हुए विश्व हिंदू महाशक्ति संघ के खिलाफ थाना मंजोला में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर प्रेमवीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी, कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह सहित कई बड़े नेताओं के फोटो अपने साथ सोशल मीडिया पर लगाकर भ्रम फैलाया और रसीदें छपवाकर हिंदू समाज के लोगों से राम मंदिर के नाम पर रूपों की अवैध उगाही शुरू कर दी। लंबे समय से की जा रही रूपों की अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर इस मामले को योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाएगी और उन्हें भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा इसकी सूचना दी गई थी। उसके बाद इस संगठन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। में जो एफ आई आर दर्ज हुई है, राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूला जा रहा था, उसमें जो नया संगठन बना करके क्या मामला है, आपके संज्ञान में क्या जानकारी दी थी जिलाध्यक्ष सर ने? नहीं, कोई विश्व हिंदू महासंघ करके कुछ संस्था बनाकर और उसकी रसीद छाप कर वसूली का काम, धन संग्रह का काम राम मंदिर के नाम पर किए जाने की शिकायत जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे मिली थी। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने एक प्रार्थना पत्र देकर उस संस्था के उसके जो संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और कोई भी हो जो गलत काम करेगा, फर्जीफिकेशन करेगा, उसे कानून अनुसार विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग जिलाध्यक्ष जी ने की है। मंत्री जी, कहीं आपका नाम भी लिया गया है ऐसा लगा लिखा अखबारों में? उस पर जो उन्होंने छपाया है अपना, उस पर माने मुख्यमंत्री जी का, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जिला अध्यक्ष जी का मेरे फोटो हैं उसमें, लेकिन मुझे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है, उन्होंने मुकदमा लिखाया, इसकी सूचना मुझे मिली है। क्या वो व्यक्ति जो है उनके पार्टी जुड़ा हुआ है कि खाली हम लोगों का उससे कोई संपर्क नहीं है, मेरे कभी संपर्क में वो रहे नहीं, कौन है क्या है, लेकिन जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से उनके इस जो उन्होंने ये काम किया है उस कार्य की जानकारी, अनैतिक कार्य की जानकारी जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे दी गई है और जिलाध्यक्ष जी ने थाने में उनके खिलाफ जो भी सुसंगत धारा है उनका मुकदमा दर्ज कराया है। अपील क्या करना चाहिए? राम मंदिर का विषय समाज की आस्था से जुड़ा विषय है, संगठन की ओर से धन संग्रह का एक अभियान चलेगा भी फरवरी माह में, और इसके अलावा और कोई संस्था इसके लिए धन संग्रह का काम कर रही है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, और जो भी लोग इस काम में, इस कार्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की फर्जी संस्था बनाकर धन संग्रह का काम होगा तो उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार का जिलाध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है उसके खिलाफ और उस पत्र के आधार पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुझे विश्वास है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उनमें विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ। ये राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू महाशक्ति संघ नामक संगठन द्वारा अवैध रूप से धन संग्रह करने का आरोप लगाया गया है इन पर। इनकी रसीद में भी कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का बिना अनुमति उनका फोटो प्रयोग करना भी बताया गया है, जिस संबंध में थाना मजौला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई है जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही फेसबुक की पोस्ट जो बताई गई है उनका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है, इसमें थाने की टीम और साइबर टीम भी काम कर रही है, इसमें जो भी साक्ष्य समक्ष आएंगे उनके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। बता दूंगी।